and plastics. Now we have polyester. The other synthetic fiber is polyester. Polyester is actually a category of polymer. मतलब ये एक पॉली अगेन आपको पॉली दिख रहा है तो पॉली मीन्स मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट्स और वो स्मॉल यूनिट्स क्या है एस्टर ग्रुप. आप जब कोई हायर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि हमारे पास डिफरेंट तरह के ग्रुप्स होते हैं अल्कोहलिक एल्डिहाइडिक उसमें से एक एस्टर ग्रुप भी होता है. एस्टर ग्रुप जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं मतलब एक चेन बन जाए सपोज आप कह दो कि ये छोटे छोटे यूनिट्स की चेन बन गई है और इस चेन में एस्टर ग्रुप भी इन्वॉल्व है. एस्टर ग्रुप होता है RCOR विच यू आर गोइंग टू स्टडी इन हायर क्लास. तो अभी आप कंफ्यूज नहीं हुई है इस ग्रुप से. वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच कंटेन एन एस्टर ग्रुप ऑल्सो इन देयर चेन राइट. सो इट गिव राइज टू अ पॉलीएस्टर. So this is what is a polyester. As you can see in the figure, ये polyester से बना. इसमें clothing material कौन सा use हुआ है? Polyester. As there are many polyesters, but this term is widely used for specific material that is PET. बहुत तरह के polyesters हैं जो आप nature में देखते हो, पर ये जो polyester term है, ये specially एक specific material के लिए use होती है, जिसको आप बोलते हो PET. PET means polyethylene terephthalate. Polyethylene terephthalate, which is used in making the PET bottles, which you commonly use for this thing, keeping the cold drinks or water. आपको पता है इस तरह की PET bottles होती हैं, right? So these PET bottles are made up out of polyethylene terephthalate, the full form, and it is again a polyester. Now looking on the properties of polyester, it is very strong. आपने देखा भी होगा जो पेट बॉटल्स होती है दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल ऑल्सो रेजिस्टेंट टू केमिकल्स और ये कुछ श्रिंक भी नहीं होता है. एज यू कैन सी इन द फिगर इस तरह के आपने मैट्स देखे होंगे दीज मैट्स एक्चुअली डू नॉट श्रिंक एट ऑल एंड दे आर ड्यूरेबल ऑल्सो एंड दे आर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स ऑल्सो एंड दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. और इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड क्विक ड्राई. ये पानी को ज्यादा देर तक अपने में रिटेन नहीं रख सकते. सो दे आर हाइड्रोफोबिक और ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं. दे रिटेन इट्स शेप. इनकी शेप ऐसे ही रहती है. इजी टू वॉश एंड ड्राई क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया क्विक ड्राइंग वाला प्रोसेस है इनका. वॉश करना भी आसान है और ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं. कहां कहां यूज होते हैं इनसे? पॉलिएस्टर सूट्स बनते हैं, इनसे रोप्स बनते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमन यूज तो पेट बॉटल्स है. एज यू कैन सी दीज आर पेट बॉटल्स विच यू यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सो दे आर मेड अप ऑफ द पॉलिएस्टर राइट. एग्जाम्पल्स जो आप और चीजें बना सकते हो पॉलिएस्टर से वी कैन मेक मैट्स. एज यू कैन सी इन द फिगर देयर इज अ ब्यूटिफुल मैट केप्ट ऑन द फ्लोर. इट इज मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर. वी कैन मेक रोप्स एज यू कैन सी इन द फिगर क्वाइट स्ट्रॉन्ग रोप. So these are the few examples जिनसे polyester से आप जो चीजें बना सकते हो. Now we are starting with another material that is acrylic. Acrylic is again a synthetic fiber, मतलब chemical resource से बना है. Again a polymer. Polymer मतलब एक giant molecule जो छोटे छोटे units को combine करने से बना है. और वो जो छोटे units जो combine हुए हैं that is acrylonitrile. That is acrylonitrile. तो इसका मतलब acrylic के अंदर बहुत सारे acrylonitrile जुड़े हुए हैं तभी वो एक polymer बना पाते हैं. That is acrylic. And acrylic, as you can see in the figure, these gloves which you wear in winters, they are actually made up of acrylic. Properties: it is warm and light. ये गर्म रखता है और light होता है. सॉफ्ट एंड फ्लेक्सीबल, किसी भी तरीके से इसको मोड़ सकते हो आप और सॉफ्ट फीलिंग भी देता है. रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड केमिकल्स, जल्दी खराब नहीं होता, अटैक नहीं होता इस पे मॉथ्स का या केमिकल्स का. और वूल लाइक फीलिंग होती है इसकी, वार्म वार्म सी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी. कहां यूज होता है? यू कैन मेक ब्लैंकेट आउट ऑफ इट, वी कैन मेक शॉल आउट ऑफ इट राइट, कैश्मीर शॉल. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन मेक आउट ऑफ द एक्रेलिक. You can make jackets out of it. Acrylic से बनती है. We can have shawls also. तो इस तरह की काफी चीजें हैं which you can make with the help of the synthetic fiber that is the acrylic.